नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज लेकर आए हैं दशहरा पर 20 लाइन का बहुत ही सुंदर निबंध। पहली लाइन है, दशहरा भारत का एक लोकप्रिय त्यौहार है। दूसरी लाइन, इस त्यौहार को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी लाइन, दशहरा अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। चौथी लाइन, यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पांचवी लाइन, दशहरे से पूर्व 9 दिन रामलीला का आयोजन किया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। रामलीला में श्री राम जी के आदर्श जीवन को दिखाया जाता है। दशमी के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। यह पर्व महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का भी प्रतीक है। इसी दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी से पहले नवरात्रि मनाई जाती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। दशहरा पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व पर सभी घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। दशहरा के दिन लोग नए कार्य का आरंभ करते हैं। इस दिन शस्त्र पूजा की भी जाती है। दशहरा हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है। लोग दशहरा का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यह त्यौहार अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। यह पर्व हमें मानवता का अमूल्य संदेश देता है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।